आगे बढ़ते हैं। गोंडा सदर विधानसभा सीट से कांग्रेस ने रमा कश्यप को मैदान में उतारा है, जो एक ताइक्वांडो प्लेयर है। कांग्रेस के लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ वो चुनाव की जंग में उतरी है और अपनी जीत का दावा कर रही है। एबीपी गंगा संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने उनसे खास बातचीत की। प्रचार युद्ध के आखिरी दिन सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। हमारे साथ गोंडा सदर से कांग्रेस प्रत्याशी रमा कश्यप है। रमा कश्यप महिला प्रत्याशी हैं यहां से और कह रही हैं कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। कैसे लड़ रही हैं, क्या प्रचार के आखिरी दिन क्या फोकस कर रखा है आपने? लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, आपने पहले ही बता दिया। और हमारे यहाँ ये विधानसभा में महिला को मौका नहीं मिला था, पहली बार मौका मिला है। और हम ही नहीं, यहाँ की सभी महिलाएं जो इस विधानसभा में आधी आबादी है, यहाँ पे महिला और पुरुष की संख्या बराबर है, तो इस बार सभी महिलाएं लड़ रही हैं जी। आपके खिलाफ एक तरफ प्रतीक भूषण सिंह है, एक तरफ सूरज सिंह है, कैसे इनसे लड़ेंगे और कैसे जीतेंगे? क्या दिक्कत है इनसे, है तो प्रत्याशी, वो भी मैं भी प्रत्याशी हूँ, लड़ रही हूँ, लड़की हूँ, खिलाड़ी भी हूँ, जीतूंगी भी। अच्छा। जी आपको आप अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं, क्या मुद्दे रहेंगे? हमारे मुद्दे यही हैं कि यहाँ की महिलाएं परेशान हैं क्योंकि उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है, वो दर दर भटकती रहती हैं, आए दिन थाने पे बैठी रहती हैं। मैं जाती हूँ, मुझे पता है कि वो बैठी रहती है, उनको तो इस सरकार कुर्सी भी नहीं देती उनको बैठने के लिए। महिलाओं को महिला अस्पताल में उनसे वसूली होती है, उनसे पैसे लिए जाते हैं, तो वो महिलाएं चाहती कि हमारी नेता होंगी। रमा कश्यप जी मौका इसलिए दे रही हमें और मुझे विधायक बनाना चाहती कि हमारी जब महिला विधायक होगी तो आधी रात कभी भी किसी भी समय, रात हो दिन हो, कभी भी आके वो हमसे खुल के बात करेंगे, अपनी बात रखेंगी। अहंकार और संस्कार की बात हो रही है आपकी विधानसभा में गोंडा में, कोई कह रहा है कि अहंकारी है, कोई कह रहा हम संस्कारी है। कांग्रेस पार्टी संस्कारी है और समझदार पार्टी है, ये राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी इस महासागर है, तो ये संस्कारी पार्टी है। अगर ये संस्कारी नहीं होती तो इतना बड़ा जमाना बीत गया इस पार्टी को। जब से ये पार्टी आई ये सारे पार्टी गायब थी, अब छोटी छोटी दलें आ रही हैं पार्टियां, तो ये संस्कार है, संस्कार की बदौलत इतने दिन हिंदुस्तान में राज किया है और संस्कार की बदौलत ही आगे भी ये राज करेगी। कह रहे हैं कि खिलाड़ी हैं, लड़की हैं, कैसा खेल दिख रहा है गोंडा सदर, ये 10 मार्च को देख लीजिएगा आप भी। गोंडा से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा।